उत्तर प्रदेश में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस एक बार फिर विधानसभा के उपचुनाव में चुनावी मैदान में है। राजधानी के कैंट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने अपने पुराने कार्यकर्ता दिलप्रीत सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। हमारे साथ मौजूद है दिलप्रीत सिंह, इनसे बात करते हैं क्या चुनावी समीकरण चल रहा है कैंट विधानसभा क्षेत्र में। सर, सबसे पहले आने के लिए बहुत बहुत स्वागत। सर, समय काफी कम है, जिम्मेदारियां आपके ऊपर, पार्टी ने एक बार फिर जिम्मेदारियां आपको सौंपा है, क्या इन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जाते हैं? देखिए, मुद्दे बहुत है। आप जब कैंट विधानसभा की सड़कों पर निकलते हैं तो आपको हर गली में कोई ना कोई मुद्दा मिल जाएगा। आज का जो मुख्य एजेंडा है लोगों का, वो है विकास का। आप किसी गली में जाइए तो आपको गंदी गलियां मिल जाएंगी, टूटी हुई सड़कें मिल जाएंगी, जहां इन्होंने वादे किए थे गड्ढा मुक्त भारत, वहां आपको गड्ढों के अलावा सड़कें मिलेंगी, लोग चोट खाते हैं गिर के। पेयजल की समस्या बहुत बड़ी कैंट विधानसभा में, कहीं कहीं हफ्तों हफ्तों पानी नहीं आता, और कहीं आता है तो उतना गंदा पानी आता है वो पीने योग्य भी नहीं। कहीं आप क्राइम देख लीजिए, क्राइम रेट कहाँ पहुँच रहा, बच्चियां हमारी बहनें घर से निकलने में डरती। आपके पास समस्याएं बहुत हैं, लेकिन इस सरकार के पास उसका हल नहीं है। हल निकालने के लिए जो जनप्रतिनिधि, जो हमारी जनता चुनती है, मेरे ख्याल से वो जनता चुनती है काम के लिए। काम जो जनप्रतिनिधि करेगा उसको जो है जनता मौका देगी। बीजेपी का गढ़ माना जाता है कैंट विधानसभा क्षेत्र, इसमें कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती मानी जा रही है। किस तरह से आप जो पूरा चुनावी समीकरण को देखते हुए किस तरह से आप जो है मैदान में? देखिए, मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि ये बीजेपी की सीट रही, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा ये हमेशा से कांग्रेस के पास रही, और कांग्रेस मानसिकता के मेरे ख्याल से कैंट विधानसभा में बहुत है। और चुनौती हमारे सामने कोई भी नहीं है, हम लोग मैदान में हैं और अच्छी तरह चुनाव लड़ रहे हैं। आप थे दिलप्रीत सिंह, जिनका साफ मानना है कि 28 वर्षों में अब तक जो है भाजपा की सरकार ने कोई भी विकास के कार्य नहीं हुए हैं क्षेत्र में, जहां तक कि जल भराव की समस्या, काफ़ी समस्याओं को इनके माध्यम से इन्होंने गिनाए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनके साफ ये भी मानना है कि अगर जनता इन्हें एक बार चुन करके विधायक बनाती है तो क्षेत्र में ये काफ़ी विकास कार्य करेंगे। कैमरामैन प्रियांश के साथ संजीव सिंह, R9 TV, लखनऊ।